चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब देश में नफरत फैली हुई है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है वो मोदी जी बेचते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की लेकर निकले हैं, उन्होंने पूरे देश की गरीबों की आवाज सुनी। जब देश में नफरत फैली हुई है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है जिसकी कोई चरम सीमा नहीं है, आप देख रहे हो। हर गरीब आदमी इतना परेशान है महंगाई को लेकर, माताएं बहनें इतनी परेशान हैं। सिलेंडर 500 रुपये का था, वो 1100 रुपये के आज की डेट में मिल रहा है। 500 रुपये से भी नीचे था, 500 का। तो महंगाई चरम पे, इसी उद्देश्य को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की लेकर निकले हैं। उन्होंने पूरे देश की गरीबों की आवाज़ सुनी, उन्होंने खुद ये फैसला लिया कि भारत जोड़ो यात्रा उसी वजह से निकले। विजय तिवारी, तिवारी जी खास से मैं प्रतापगढ़ खास से दोनों साथ ही आए हैं, दोनों साथ में आए हैं। तो इतनी दूर से क्यों यहाँ पे आए हो यूपी के दिल्ली में? हम इस समस्या को लेकर आए हैं, जो 70 साल की आजादी, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है वो मोदी जी बेचते जा रहे हैं। गरीब जनता की हर समस्या को बेचते जा रहे हैं। गरीब जनता जो 70 साल में दूध के GST नहीं लगा है, अंग्रेज के जमाने में जो GST चल रही थी, जो टैक्स लिया जा रहा था, आज वही मोदी जी अंग्रेजों का काम कर रहे हैं और गरीब जनता से टैक्स ले रहे हैं। हम गरीब जनता के जोड़ने के लिए आए हैं, गरीब जनता के आवाज को लेकर राहुल गांधी के पास आए हैं। हम भी पद यात्रा में शामिल हुए हैं कि जनता जागे, जो जनता सो रही हो जागे, जो मानसिक कैप्चर हो रहा है जनता को, वो जनता मानसिक कैप्चर से उभरे। चूंकि मानसिक कैप्चर करके मोदी जी या उनकी सरकार जो करती है, वो मानसिक कैप्चर करके ही अपने सीट को निकालती है, एक गलत तरीका। ओ भाई भाई इधर आ जाओ भाई, मेरे में जूम कम है, देख ध्यान ना।